दूरदर्शन दर्शक बंधु को आम हेल्थ शो कार्यक्रम को स्वागत करुचु। दर्शक बंधु आपण मैंने जाथे आदि शंकराचार्य मोहमुद्गर गोटे पद अच्छी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। प्रत्येक मनुष्यर जीवनर अयमारंभ हुए मार जठर बा मार गर्भाशय मध्य एवं प्रत्येक स्त्री लोकंकर गोटे स्वप्न रही थाए जे सेमाने थरे माँ हेबे एवं ए सबु प्रक्रिया रे जोटा अति गुरुत्वपूर्ण अंश ग्रहण करी थाए सेटा होची स्त्री लोकंकर गर्भाशय बा जठर। एवं से संबंध रे आजी आमे आलोचना करिबा गोटे निर्दिष्ट रोग संबंध रे जहा कि आमे कहू जरायुर ट्यूमर बा साधारण रे लोक माने जानंती यूट्रस रे फाइब्रॉइड हेची बा यूट्राइन फाइब्रॉइड एवं ए संबंध रे आम सहित सविशेष आलोचना करिवा पई स्टूडियो रे उपस्थित अछंती आम ओडिसार सुनामधन्य स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधाकांत पाणिग्राही। आमे तांकु स्वागत करुचु। प्रथमे आमे डॉक्टर पाणिग्राही को जानिया चाहिबा ए जो लोक माने आजिकल तो अल्ट्रासाउंड आसिला परे समस्ते फाइब्रॉइड शब्द सहित खूब परिचित। तो ये फाइब्रॉइड कहले साधारण कौन बुझा जाए? साधारण तो आम जिते कहू जे आपण गर्भाशय ट्यूमर टे अच्छी साधारण तो लोक मन को पड़े जाए मोर कैंसर हो गला कि तेणु यहाँ गोटे साधारण जनित जेकोसी ट्यूमर से मैंने भावती यहाँ कैंसर किंतु ट्यूमर शब्दटा गोटे बिनाइन यह मालिग्नाट नुहे तेणु से मन रू दूरे दवा दरकार। द्वितीय जिनस गर्भाशय बाहरी ना यहाँ ओभारी बाहरी डिंबकोश रु बाहरी तो मैंने द्वितीय प्रश्न तेणु यही सब प्रश्न को एड़ेवा को जाइए आमको किसी परीक्षार साहाय्य नबाक पड़े किसी लक्षण साहाय्य नबाक पड़े आउ किसी तार सिम्पटम्स से सिम्पटम्स आउ साइंस जोड़ा कहते लक्षण एवं साइंस रू आम देखी थापर कनफर्म कर अल्ट्रासाउंड मध्यम से साधारणतः आम जो देखू जेकोसी ट्यूमर आम भावु कौटी से ओरिजिन सेटा मध्य भागरे नाहीर तलू को मध्य भागरे कि नाहीर तलू को पार्श्व भागरे अच्छी जदि पार्श्व भागरे अच्छी यह जो डिंबाशय जदि मध्य भाग रु अच्छी ताहले यूट्राइन ट्यूमर होता है। तापर नेक्स्ट है जेकोसी जे आमर येटा सेटा हमको जानिया को पड़ो जे से ट्यूमरटा जे तार साइज केते आकार अच्छी केतोटी ट्यूमर अच्छी तार मूवमेंट केमती रोचे से ट्यूमरटा सेटा तार कंसिस्टेंसी केमती रोचे जदि गोटे मांस चिपिले जमी आम कंसिस्टेंसी लागू ताको आम फाइब्रॉइड बोली कही था जदि गोटे पानी थली को चिपिले जमी लगे ताको आम ओभारियन सिस्ट कही था। तापर आम साइज देखू साइजटा केते बड़ साइज आम साधारणतः को केते मासर प्रेगनेंसी हिसाब से तुलना कराई था 10 वीक्स कि 12 सप्ताह यही अनुसार आम नहीं था। गर्भाशयर स्थान एवं अंशभेदरे फाइब्रोर नाम मध्य भिन्न भिन्न होता है। गर्भाशयर मांसाल आवरण भितर जो फाइब्रोइड सृष्टि हुए ताकू इंट्रामोराल फाइब्रोइड कहा जाए। सबसेरस फाइब्रोइड यही फाइब्रोइड गर्भाशयर मांसाल आवरणर बाहर धारे सृष्टि होता है। यही प्रकार फाइब्रोइड को सबम्यूकस फाइब्रोइड कहा जाए जहाँ मांसाल आवरणर भीतर धारे सृष्टि होता है। गर्भाशयर भितरे बाहर आवरण को लगी झूली रही फाइब्रोइड को पेडुनकुलेक्टेड फाइब्रोइड कहुए। तेबे एतद् भिन्न 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 प्रकारर फाइब्रोइड मध्य रही। साधारण भावरे एही फाइब्रोइडर आकार 1 रु 20 सेंटीमीटर पर्यंत होई पारे। एठी आपण माने लोक मानकर जेतोले गर्भाशय रे गोटे किसी मांस वृद्धि है बोली से माने भावती सो साधारण रे से माने भाभी पारंती इटा गोटे कैंसर भी हिसाब रे मांस वृद्धि हो पारे बिना कैंसर न थाई करी जोटा में फाइब्रोइड जो विषय आलोचना कले किंबा जो सिस्ट बा जो थे पानी अंश थिबो बा किसी जलीय अंश थिबो वृद्धि हेतिबो से भलिया। तबे वास्तविक भाव जतबले एटा आपण जानुछंती तो को परीक्षा आपण को तार सठिक निर्धारण करिवारे सहाय्य करूची। प्रथमे आमे गोटी हला जेकोसी डाक्टर हिसाब रे आमको प्रथमे लक्षण हिस्ट्री तार कोन केते दिन रे से ट्यूमरटा माने सपोज सांगे सांगे ट्यूमरटा बढ़ी तेणु मालिग्नान्सी सूचना दे था जदि गोटे माने दिन और सप्ताह माने मास कि वर्ष भितर एटा हेछि ताले एटा बिनाइन एतरे कैंसर होबार संभावना कम। जदि एटा सांगे सांगे 7 ରୁ 10 दिन कि मासे भितर बढ़ी आमको एटा सम्यक सूचना जे एटा मालिग्नान्सी सेटा तो आम मुहरे कहीदेले हेबनी आमको गोटे परीक्षा करके पड़े। कौन परीक्षा करेंगे ना तार हूँ अल्ट्रासाउंड करेंगे किंबा ट्यूमर मार्कर अच्छे सपोज ओभारियन ट्यूमरटे ताको ट्यूमर मार्कर कही था जथा CA-125 गुडे अच्छे एपी मुख्यतः भाव रक्त परीक्षा जना पड़े किंतु मुख्य हूँ आमर अल्ट्रासाउंड जोटा कि नॉन इनवेजिव आउ गोटे MRI आउ गोटे अच्छे जदि मालिग्नान्सी सीटी स्कैन करिया पड़े। यही परीक्षा माध्यम आम जापर सेटा आमर ट्यूमरटा जदि बिनाइन किंबा मालिग्नान्ट खाली ट्यूमर ना कैंसर सेटा तो आपण जेतेबेले साधारण यही प्रकार रोग रे आक्रांत होइतिबा लोक मानक संस्पर्श रे आसंती सेमानक भितरु गोटे निर्दिष्ट किछि बयस सीमा रहिछि बा को बयस रे एगुडी को अधिका देखाइ ए जो यार मुख्य कारण होछि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो माने साधारणतः पिला छुआ जन्म करिबा बयस रे ई ट्यूमर बाहर थाए तेणु जो मानकर पिला संख्या कम साधारणतः 2 ରୁ 3 पिलार जो मानकर पिला संख्या कम यूट्रस दीटा काम आप जानते गोटे है मेन्स्ट्रुएसन करवा ऋतुस्राव करवा आउ गोटे छुआ रखा छुआ जन्म माने छुआर ये गर्भ आप जोटा कहते गर्भ संचार करवा ये जो दीटा प्रोसेस मध्य जदि से दीटा नकला से ट्यूमर तैयारी कर से जो कहते आईदर ऋतुस्राव ना गर्भधारण कर ट्यूमर सृष्टि कर तेणु जो झील मानक आर्ली कम एज्रु मेन्स्ट्रुएसन होता है किंबा 2-3 पिलारू कम होता है आजिकल जो है फैटी फुड्स खाइबा किंबा हाई फाइव कैलोरी फुड्स खाऊँच से लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल किंबा आपणकर लैक ऑफ एक्सरसाइज किंबा खाद्य बेसी परिमाण फल एंटीऑक्सीडेंट ये नथिबो एही सबु लोक मानक ठारे आमर फाइब्रोड देखा आउ देखाई गोटे कंडीशन इस्ट्रोजेन जो झील मानक इस्ट्रोजेन अधिका से झील मानक ठारे यही ट्यूमरटी बेसी देखा था जो मानकर प्रोजेस्टन गर्भधारण कले ट्यूमरटा कमी जाए तेणु मुख्यतः भाव आम धरी नहीं पारे 15 ରୁ 45 वर्ष भितर ही अधिकांश जो चाइल्ड बियरिंग एज जोटा कहते हैं गर्भधारण समय भितर यही ट्यूमरटा बेसी देखा अधिका किंतु जेतेबेले आमर मेन्स्ट्रुएशनटा बंद हो जोटा को आम कहू मेनोपोज ट्यूमरटा मध्य श्रिंकेज कर दे कहीं से ब्लड सप्लाई पाए ट्यूमर मुख्य है से केते पुराने ब्लड सप्लाई पाउछे जदि ब्लड सप्लाईटा कमी गला ट्यूमर ताले वृद्धि पाइ परजिवो कमी जिवो। फाइब्रोइड सृष्टि रो प्रमुख कारण साधारणतः 30 रु 50 वर्ष वयस मध्य रे गर्भाशय फाइब्रोइड सृष्टि होइथाय। आनुवंशिकता क्षेत्र रे गर्भाशय फाइब्रोइड सृष्टि रो संभावना अधिक अर्थात मा ठारे फाइब्रोइड थिले झील ठारे फाइब्रोइड सृष्टि हबार संभावना वृद्धि पाई थाए। कम बयस रे ऋतुस्राव आरंभ हेले फाइब्रोइड सृष्टिर आशंका अधिक होइथाए। शरीर रे एस्ट्रोजेन हार्मोन रो वृद्धि फाइब्रोइड सृष्टिर अन्य एक प्रमुख कारण। तेबे गर्भनिरोधक बटिका व्यवहार करुवा महिला क्षेत्र में फाइब्रोइड सृष्टिर संभावना कम होइथाए। जे ये जो स्त्री लोक मैंने जो मैंने रोग रे आक्रांत होती डाक्तर पाख आसती परामर्श करने से मुख्यतः की प्रकार असुविधा बा जंत्रणा परिलक्षित हुए जहाँ फल कि डाक्तर परामर्श आमर ट्यूमरटा जो अच्छी सेटा हूँ आम जो गर्भाशय जो ट्यूमर गोटे गर्भाशय हूँ आपंकर यूट्रस आउ गोटे सर्भिक्स आउ गोटे अच्छी ब्रॉड लिगामेंट तेणु ये जो यूट्रस अच्छी गोटे है सबसिरोसा यूट्रस पूरा पार्श्व को लगिक आउ गोटे तरह मायोयूट्रस 3 प्रकार लेयर अच्छे गोटे एंडोमेट्रियम गोटे मायोमेट्रियम मसल लेयर आउट है पेरीमेट्रियम जदि तार सब सिरोसा जोटा कहती जदि सिरोसा को लगिकी अच्छी आम सब सिरोसाल फाइब्रोइड जदि से मायोमेट्रियम मध्य भागे अच्छी आम कहू इंट्राम्यूराल फाइब्रोइड जोटा कि कैविटी भितर अच्छी आम सबम्यूकोसाल फाइब्रोइड जदि सर्भिक्स रु बाहर सी है सर्वाइकल फाइब्रोइड एवं जदि ब्रॉड लिगामेंट रु बाहर तो कहते ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड सो जो साइज जोठी अच्छी किंबा जो साइट्रे अच्छी से अनुसार सिम्पटम्स देखाई था। सपोज आपणकर एंडोमेटल कैविटी जोटा कि बेसी मेनोरेजिया कराए माने मात्राधिक ऋतु स्राव कराई था जोटा कहते एक्सेसिव ब्लीडिंग पीवी। द्वितीय जिनस जदि से कर्नुअल जंक्शन पाखे रहा से पेन कर तली पेट रे जंत्रणा कर जदि सर्वाइकल फाइब्रोड रहला से कोन करियो प्रेशर सिम्पटम्स पके रिटेंशन ऑफ यूरिन कर माने परिस्रा बंद कर दे पारे अटके दबो तापर जदि पच्छु को रहला रेक्टम आडु की रहला खाद्य नली केडला से कॉन्स्टिपेशन करबो माने जाडा छाडा परिस्कार करिया को दबनी ए सब करिया को दबनी ता सहित मध्य गोटा अछि ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोड जे कि बहुत उडा हार्मोन संक्रमण करिकि ता कोनति पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम माने एक्सेस आरबीसी बॉडी जीवो पॉलीसाइथेमिया हबो किबा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सिक्रेशन करबो किबा ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोडा बेसी सिम्पटोमैटिक नथि आपण देखिए मोस्ट ऑफ द फाइब्रोड ए माने किछि सिम्पटम्स न थाय आमे खाली देखा जब तलीपुर मध्य भाग में गोटे फाइब्रोड बाहरी पड़ा अरे मोर गोटे कौन तलीपेटर मांसटा बढ़ी लोक भावती ओजन बढ़ीगला बेले कहते आज्ञा मोर किसी ना मोर कहीं ओजन बढ़ी हो मत मांदा लगुच से जो आप हाथ मारा क्षणी किसी दे आर इनोक्वस दे डू नॉट किसी जानी पारंतनी हठात देखिए से गोटे फाइब्रोड एम गोटे मांस कौन बढ़ी अरे आसी डाक्तर को देखला डाक्तर से देखिए जानवे तोर फाइब्रोड हो तो मुख्यतः भाव एम देखिले जो लक्षण गुड़िक प्रकाश पाँच गर्भाशय जनित नुहे किंतु गर्भाशयर पार्श्ववर्ती जो अंग प्रत्यंग रही ता उपरे जेतबले सेमानकर किछि प्रभाव पड़ुछि ता जोगु से लक्षण गुडी का प्रकाश पाउछि। गर्भाशय फाइब्रोइड रो लक्षण तळ पेट फुली गर्भ धारण भली लागिबा ऋतुस्राव समय रे अत्यधिक रक्तस्राव हेबा ओ 7 दिन रो अधिक समय ऋतुस्राव हेबा गर्भाशय फाइब्रोइड लक्षण होई पारे। जदि मेनोपोज परे मध्य रक्तस्राव हुए अंटा और गोड़र पछ भाग रे जंत्रणा सृष्टि हुए एवं पेट दरज हवा सहित पेट काटे ताहा गर्भाशय फाइब्रोइड लक्षण को सूचित कराए। मूत्रमार्ग रे संक्रमण सृष्टि हवा यौन क्रिया समय रे जंत्रणा एवं कोष्ठकाठिन्य अधिक दिन लगी रहिबा गर्भाशय फाइब्रोइड अन्यान्य संभाव्य लक्षण। ये रोगी मैंने जितेबाला आपण पाखु आसंती परामर्श पाई ते आपण की प्रकार चिकित्सा पद्धति संबंध रे समानंकु जणांती आमे जतरो देखु गोडाए फाइब्रोइड आपण किछि ट्रीटमेंट दरकार ना गोटे हला इफेक्ट ऑफ फाइब्रोइड ऑन द पेशेंट आय माने फाइब्रोइड रो पेशेंट ऊपर कोन इफेक्ट प्रभाव रही छि किबा फाइब्रोइड आउ किबा पेशेंट रो फाइब्रोइड ऊपर कोन इफेक्ट सपोज प्रेगनेंसी समय फाइब्रोइड बाहरला जो थे कि आम देखू किसी करना कारण प्रेगनेंसी समय यू सुड नॉट टच द फाइब्रोड तार गोटे डिजेनरेशन हुए कहते रेड डिजेनरेशन ऑफ द फाइब्रोड आउ गोटे आपंकर अच्छे जोटा सबसिरोसाल गोटे स्टक थी गोटे लंबा नाड़ी लगे से बेले बेले टर्सन कर जाए मोड़ी हो जाए जो मोड़ी हो जो सांगे बहुत पेन हम जंत्रणा काढ़ी देवाकू पड़िबो ऑपरेशन निहाती करिया पेन आउ गोटे फाइब्रोड अछि जोटा 5 सेंटर किछि तांकर किछि सिम्पटम्स नाही किबा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप भीतर से रहू नांती किबा इंट्रा मायोमेट्रल फाइब्रोड अछि से किछि ट्रीटमेंट दरकार करू नांती सेही केस रे आपण कोन आमे कोन करू ताकू छाडी दो सेमती तापर आमे देखू जदी 4 टू 9 सेंटीमीटर फाइब्रोड अछि आमे देखिबा कोन तापर आमे देखिबो रोगीर बयस केते तार पिला छुआ केतोटी अछंती जदि पिला छुआ से कंप्लीट करि सारची बयस 45 रु ऊर्ध्व हो जाइची ताहले आमे ताको काउंसलिंग करू हिस्टेक्टमी पई सेटा दुईटी माध्यम रे आइदर पेट काटिकी करि पारे जोटा मुख्यतः भाबे आपण चाहिबे जदि गर्भाशय द्वारा से स्त्री लोकंकर आउ विशेष किछि उपकार पाइबार नाही जदि ऋतुस्राव बंद हो जाइची ताहले आपण तांको गर्भाशयटी ऑपरेशन करि करी काढी दबा पई गर्भाशयटा काढीबा आगुरु गोडाय जिंस अछि जदि खाली ट्यूमरटा बाहर करि हेउछि जदि संभव ताको मायोमेक्टमी कहते आजिकल लाप्रोस्कोपी की मायोमेक्टमी है तेणु आम बर्तमान देखा सब कंजर्व द यूट्रस कारण गोटे बयस तार अच्छी 65 एज पर्यंत से यूट्रस बेले बेले यूट्रसटा 45 पर दरकार न थाए किंतु यूट्रसटा बाहर करदेला आम देखी सेक्सुअल लिपिडो भी कमी जाए जो डिजायरटा भी कमी जाए किसी अपरमण हार्मोन भी कमी जाए माने मनीषर जो थाए गोटे यूट्रस रखिबा आ न रखिबार बहुत उडा अछि तार गोटे मानसिक प्रभाव भी रहिबो से जो प्रभाव को मुक्त करिया पई सबुला में चेष्टा करथौ यूट्रस को प्रिजर्व करिया तनो आज काली भी कंजर्वेटिव सर्जरी आसिलानी जे आगो भलिया नाही जे निहाती सर्जरी करिया दरकार बर्तन सर्जरी छोडा यूट्रेन आट्री एम्बोलाइजेशन खाली मायोमाटा जो जगार अच्छी से जगह को आपण जो रक्त नलीटा जाउची सेटा आपण माने करंती आ रेडियोलॉजिस्ट माने करंती तेनु से जरे पॉलीविनाइल पार्टिकल्स दे देले मैपिंग करी कि सेटा श्रिंक करी करी धीरे धीरे कमी जीव आ उठे होची बर्तन आधुनिक उपाय लेजर एब्लेशन पर्टिकुलर जगह हाई इंटेंसिटी लेजर पकई दिंतु से तरलिकी आबे मांस तरला भाई यहाँ द्वितीय ट्रिटमेंट। तृतीय ट्रिटमेंट है एमआरआई फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एनर्जी सर्जरी। एमआरआई करके से जगह अल्ट्रासाउंड पकई दिंतु सी ट्यूमरटा को भल भाव तरल तरदे सी कमिज। तापर जदि एदी लोक कन्भिनिएंट मैंने सी जानी से सर्जरी कर लाप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी खाली मायोमटा बाहर कर दियो यूट्रसटा भी रख। लोक जदि भावुची मोर यूट्रस दरकार नहीं कि कोमोरबिड अन्यान्य कंडीशन अच्छी ताहले आम से केस रे यूट्रसटा बाहर करूँ जोटा कि एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी कि लाप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी एलंग विथ मायोमारिमोभाल और भाजेनाल हिस्टेक्टोमी जोटा कि एनडीवीएच को नॉन डिसेंट भाजेनाल हिस्टेक्टोमी। अनेक समय देखाई थाए जे स्त्रीलोक मैंने भावती जो मैंने 40 वर्ष रो अधिक बयस हो जाए से मैंने भी चिंता करती जे अन्य काहाठू शुणी था जानी था ये यूट्रस रहिले हुए तो भविष्य में यूट्रस रे कैंसर हो पारे। एबे गोटे ट्यूमर टे बाहरी तेणु मुलू माइले जीव सरी एकाथरे यूट्रस काढ़ी दिया जाए। आमर बहुत केस रे आपण देखिबे जे यूट्रस छोटिया ट्यूमर टे तो लोक हिस्टेक्टम करे ताको भला बे काउंसलिंग दरकार जे एटा ट्यूमर टेटा बिनाइन टेटा जदि कैंसर आमे टेस्ट करबा कैंसर होता सेटा कम दिन होता है आम टेस्ट कले भी जना पड़ जाऊँ भास्कुलारिटी जोटा कहते रैबिडोमायो सार्कोमा इज वेरी क्रिटिकल कंडीशन और से पेसेंट भी बंचवा भी संभव नुह जोटा कि आपंकर 0.02% तेणु भेरी रेयर लेस देन जोटा आप लेस देन 1% आम भेरी रेयर कही था लेस देन 0.1% तेणु 0.2% एटा बहुत कम तेणु ये बहुत शीघ्र बढ़ी था आउ से भी रोगी जो कैंसर सिम्पटम्स पतला हो झाड़ा कन्स्टिपेशन संगे संगे बाहरी पड़ी था तेणु ये जो ट्यूमर एथे बेले बेले किसी होना था डाक्तर कहते तोर गोटे ट्यूमर हो बहुत समय परीक्षा करके अल्ट्रासाउंड अन्य कारण गैस फैस हो आपंकर ये हूँ पेट काटी हूँ अमके से जना पड़ा गोटे फाइब्रोड बाहर तो मुख्यतः भाव यूट्राइन फाइब्रॉइड जदियो आम देखुचे जे विगत केते दशंधि धरी बहुत स्त्री लोक मान क्षेत्र वृद्धि पाई किंतु एभली गोटे किसी रोग नुहे जहाद्वारा कि से माने आतंकित हो जावा कथा बा भीतत्रस्त हो जावा कथा कारण एटा कैंसर नुहे एवं कैंसर को परिवर्तित होबार संभावना मध्य यथेष्ट कम। तेबे आम किसी स्त्री लोक मान को परामर्श दे पारिबा जहा फल कि ये जो क्रम वर्धिष्णु यूट्राइन फाइब्रॉइड होउची तार जो गोटे परिसंख्यान रे आमे गोटे कम हार आनी परिबा से भले अपन किछि हमर लाइफस्टाइल रे परिवर्तन बा सेमतिया किछि परामर्श दे परिबा। फाइब्रोटा जेहेतु बिनाइन ट्यूमर तेणु आमे वर्तमान लोकन को माने तांको काउंसलिंग करबा जे तमे जोटा आमर अच्छी पिला संख्या कमी जाऊँगी आम तो बर्तमान जेहेतु फर्टिलिटी रेटा भी कमुचे आम समस्त को एनकरेज करवा एटलिस्ट दुईटा पिला करवा प्रथमटी। द्वितीय है जो मैंने कंट्रासेप्शन यूज कर प्रोलंगड पीरियड तांको भी डिस्करेज करवा अन्य मेथड आडप्ट करवा माने ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो माने नो जो माने कंट्रासेप्शन भी यूज कर ओरल कंट्रा कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव से भी कहवा कम आउ जो फेटी फूड्स खाऊँ आजिकल जो चाउमीन बजार सब मिलूँ बहुत प्रकार आपंकर फास्ट फूड ताकू टिके कम करवा। छुआ चाइल्डहुड ओबेसिटी अल्सो गोटे कज होचे आपंकर जो छोट छुआ बेलू जो मानक मेदबहुलता होची तेणु ताकू आमे आउ एनकरेज करया किछि फ्रुट्स वेजिटेबल्स सफिशिएंट वाटर इनटेक सेटा सबु रोगर मुख्य कारण होचे तीनटा आपनकर फ्रुट्स नाही वेजिटेबल्स नाही आउ आपण वाटर इनटेकटा कमी जाय सेटा सबु रोग। तापर आम देखी जो विटामिन D3 डेफिशिएंसी आजिकल जो देखा माने सब झील मैंने बर्तमान देखिए स्लीप मुहरे कपड़ा जो कोरोना पर से बे जो हूँ विटामिन D3 आम सिंथेसिस सनलाइट एक्सपोज जो होता है ता भी कमी जाऊँचे विटामिन D3 कमी जावा जो ये फाइब्रॉइड भी बाहर बहुत रोग आपंकर 20टा पाखापाखि 200 रोग अच्छे जोटा कि विटामिन D3 डेफिशिएंसी होची। ता सत्वे आमे देखुचे जो अपेक्षाकृत लोक मान जीवन रे शारीरिक परिश्रम रो मात्रा जो कमी जाउची से तार मध्य आ ऊपर किछि प्रभाव रहउची। जो माने बहुत परिश्रम करंती से मानकर आपण देखिबे गां घोड़ी रो लोक जो माने खटंती माने श्रमिक आमे देखिचू जो माने चासो काम रे करंती किबा हेवी परिश्रम करंती से माने थारे कम देखाय दे। ई सेडेंटरी जो माने बस्सी के रहंती किबा आपणकर ब्रेस्ट फीडिंग टा कमी दै थांती किबा पिला छुआ जो मानकर कम किबा लेट एज मैरिज आजिकल अर्ली मेन्स्ट्रुएशन लेट एज मैरिज एटा तो होची ए केस रे आमे देखुचू बिकॉज ऑफ आवर जो पैटर्न ऑफ लिविंग ए सोसाइटी समस्त हाईली एजुकेटेड से माने बा हेलालो 30 32 हे जाउचे से लोक मान करे फाइब्रॉइड बेसी बाहरचे आ बंधिया दोष भी रहउचे। ए फाइब्रॉइड बंधिया दोष करेनी किंतु आमे देखिचू फाइब्रॉइड रिमूव परे 30% लोक से माने कंसीव करि जानती तेनो ए भी गोटे तार इफेक्ट रहउचे बंधिया दोष भी करउचे। माने आमर अपेक्षाकृत कम बयस रे ऋतुस्राव आरंभ होउची किंतु बाहाघर माने झियो पिला मानकर बाहाघर जो बयस सीमा क्रमे क्रमे घुंची जाउची। समस्ते शिक्षा लाभ करिया पई चाहुचंती शिक्षा लाभ पर अनेक आर्थिक दुस्तुरु निजे सच्छल होबा पई चाहुचंती जहा फल रे कि सेई जो दूरताटा जेते बढी जाउची सेई अनुपात रे ट्यूमर बॉडी हार मध्य वृद्धि पाई। तबे ए जो आपण जो शल्य चिकित्सा गुड़िक पद्धति संबंध में कहले से गुड़िक तो चिकित्सार गोटे अति गुरुत्वपूर्ण अंग। तेबे ए जो विभिन्न शल्य चिकित्सा गुड़िक से गुड़िक परे जने रोगी केते दिन डाक्तरखाना रे रहिबार आवश्यक पड़ी पर तांकर दैनंदिन जीवन रे से भली किछि व्याघात घटिबार संभावना रही थाए कि नाही से संबंध रे टिके धारणा हला ट्यूमर जोडा यूट्रस कंजर्विंग सर्जरी कहले। यूट्रस कंजर्विंग प्रोसीजर्स लाइक आपनकर यूट्राइन एट्रियम डे केयर प्रोसीजर आपन सकाळे आसिले बाय द अबाउट से अबाउट यू आर एडमिटेड 10 AM माने 10टा बेले आसिले एई प्रोसीजर मैक्सिमम गोटे भितरे आपन जाई परिबे। आपण गोटे कहली जोटा आपनकर थर्मल लेजर एब्लेशन सेटा भी आपण 2 घंटा पाखा पाखी आ गोटे अल्ट्रासाउंड जोटा कहली एमआरआई फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एनर्जी सेथरे भी आपण 2 घंटा लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी एयर हॉस्पिटल स्टेटा मैक्सिमम 1 to 2 days दो दिन भीतर लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी भी सेई 2 days आजिकल कहउछन डे केयर हिस्टेक्टोमी सकाळ आसीला संध्या बेले डिस्चार्ज। बट आमे आज डॉक्टर आमे आउटिके माने निरापद रखिबा पई 2 दिन किबा 3 दिन मैक्सिमम सो गोटे दिन उठी पेशेंट चालिबो माने सकाळे ऑपरेशन करले बाय द इवनिंग पेशेंट वॉक सी विल एबल टू वॉक माने सेटा गोटे बड़ जिनस होची सर्जरी। आजिकल जो एडवांस सर्जरी आसिलानी आगुर कोथले लोक 5 दिन सोइबो 7 दिन सोइबो 8 दिन सोइबो ना सिमती भी आपण जो माने लैप्रोस्कोपी भी माने कन्वर्सन नाहंती से माने भी एनडीवीएच जो प्रोसीजर भी से सकाळ ऑपरेशन करले संध्याळ भी चाली परिबो सेटा जो प्रोसीजर अछि सेतरे भी लोक करि परिबे। किंतु डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड आपनकर 9 सेंटीमीटर ऊर्ध्व फाइब्रॉइड रहउची अति बडो फाइब्रॉइड रहिची जोटा के आपण बाहर करिवाटा आजिकली जो मर्सिलेशन हमर गोटे बर्तन यूएसएफडी रे गोटे बडो जिंस होउची मर्सिलेटिंग द फाइब्रॉइड। आपण सिना फाइब्रोटा बाहर करतले मायोमेक्टोमी करी ताकू बाहर करिवे केमती सेटा होची मर्सिलेशन माने ताकू खंड खंड करी गोटे थळी भितरे बाहर करी के आनिबे। से थळी रु जदी गोटे फाइब्रोड बाहर पड़ी गला पुनी से डिसेमिनेटेड मायोमाटोसिस और लियोमायोमाटोसिस करिवो से जो कंडीशन ता अछि यूएसएफडीए मना कर दैछि जे मर्सिलेशन यूज होबन। आमे सेति में बर्तन गोटे नुवा टेक्निक अछि इन बैग मर्सिलेशन ता माने फाइब्रोड बाहर किछि अंश पड़िवन आपण मर्सिलेशन करी बैग करी के आनुथले एबे कोना होछि बैग भीतर फाइब्रोटा रहइबो तार भीतर मशीन पसिबो सेटा टर्न आउट करी करी आनिबो ताको होति इन बैग मर्सिलेशन। से मेथड भी आसिलानी इंडिया रे भी अनेक जगह रे ये माने ओडिसा रे भी बहुत जगह रे होछि तनो आगो भलिया आ फाइब्रो ट्रीटमेंट आ दुरुह जे बहुत दूर को जीवा पड़ो ये आम ओडिशा भितर भी हो पारे। आज डॉक्टर राधाकांत तांकर बहुमूल्य समय आम सहित बितेइछंती एवं आपण मान समस्त को सचेतनतार वार्ता देइछंती आमे तांको पाखरे ऋणी एवं आपण कोठु विदाय नोछु धन्यवाद।